हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज खुद को गब्बर कहलाना भले ही पसंद करते हों, मगर गब्बर के राज में प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था इस कदर चरमराई हुई है कि बदमाश खुलेआम पिस्तौल लेकर कहीं भी आ जाते हैं। आम लोगों की कनपट्टी पर पिस्तौल तानकर लाखों करोड़ों रुपए की फिरौती मांगते हैं और धमकाते हुए कहते हैं कि 24 घंटे के भीतर फिरौती की रकम दे देना वरना गोली मार दी जाएगी। जी हाँ, हिसार की राजगुरु मार्केट में स्थित मशहूर राम चाट भंडार को तो आप जानते ही होंगे। इसी राम चाट भंडार के मालिक से दिन दिहाड़े 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। बदमाश दुकान पर पैदल चलकर आए थे और फिरौती की पर्ची दुकान मालिक को थमाकर जान से मारने की धमकी दी और फिर पिस्तौल दिखाकर पैदल ही वहां से चले गए। बदमाशी और गुंडागर्दी का ये नंगा नाच आपको तस्वीरों के साथ दिखाएंगे और पूरी खबर भी तसल्ली से समझाएंगे, मगर उससे पहले जरा सुनिए आखिर हुआ क्या था। 3 बजे दो लड़के आए थे और उन्होंने दो समोसे की पर्ची ली मेरे ताऊजी से, और उसके बाद उन्होंने एक लड़के ने अपनी जेब से गन निकाली थी और उसने एक पर्ची काउंटर पर रख के बोल गया लाला जी पर्ची पढ़ लेना। उसके बाद वो दोनों भाग गए थे और एक ने पीली शर्ट पहन रखी है, टी शर्ट पहन रखी है, और एक ने डार्क कलर की शर्ट पहन रखी है। बस यही था इतना और वो पीछे भाग गए। सीसीटीवी फुटेज तो आप देख ही रहे हैं, फिरौती की पर्ची में क्या लिखा है हम आपको बताते हैं। पर्ची में लिखा है, हाँ लाला या तो 10 करोड़ दे नहीं तो अगली बारी गोली मारेंगे, 2 दिन का टाइम है, सोच लिए समझ लिए, बाकी काम हमारा है, अनिल हिंदवाणिया। अब जरा सीसीटीवी फुटेज पर भी नजर घुमाइए। आरोपी बाजार में ठीक 2:49 पर आते हैं। पहले एक युवक बाइक पर बैठा था, उसने बाइक पर आगे बैग रखा था और अपने दोनों साथियों का इंतजार कर रहा था। करीब 1 मिनट बाद 2:50 पर दो युवक बाइक पर आए, एक मोबाइल पर बातें करने लगा जबकि दूसरा पीली टी शर्ट पहने युवक के साथ दुकान की ओर जाने लगता है। दुकान पर पहुंचने के बाद दोनों युवक समोसे ऑर्डर करते हैं और इसी दौरान पर्ची देकर और पिस्तौल दिखाकर भाग जाते हैं। आरोपी 3:10 सीसीटीवी फुटेज में भागते हुए दिखाई देते हैं, जबकि इसके बाद के सीसीटीवी तस्वीरों में फिर से बाइक पर दोनों युवक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और पीली टी शर्ट वाला आरोपी पैदल ही घूम रहा है। 3:08 पे यहाँ दो लड़के आए हैं और उन्होंने आते दो टोकन समोसे के लिए इनसे, कुलदीप है ओनर का नाम, उन्होंने टोकन हाथ में दिया है, इतनी देर में उन्होंने एक लेटर उसके गले के अंदर डाल दिया है और रिवॉल्वर तान के बोला लाला जी 2 दिन का टाइम देते हैं, 10 करोड़ रुपये का इंतजाम कर लेना, 2 दिन बाद लाला तेरे को गोली ठोक देंगे। इतना कहते हुए दोनों लड़के अलग अलग चले गए हैं और अब फुटेज मिल गई उनकी, सीसी फुटेज। 3 लड़के थे वो टोटल, थोड़ी दूरी पे बाइक खड़ी करके स्टार्ट की उनकी और दोनों लड़के उस पर बैठ करके चले गए। इन्होंने फिर डायल 112 को फ़ोन किया, तुरंत डायल 112 आ गई। अब पूरा PCR वगैरह है, SHO साहब आ गए हैं थाने से, पूरा स्टाफ आ गया, 50 आदमी की टीम है, उनकी तलाश जारी कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द आज गिरफ्तार हो जाएंगे। और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए हम व्यापारियों से ये रिक्वेस्ट करते हैं, हर दुकान के आगे एक CCTV कैमरा जरूर लगाएं और राजगुरु मार्केट की तरफ से भी हम कैमरे लगवाने जा रहे हैं, कल उसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा। और पुलिस प्रशासन से हम गुहार करते हैं, इसकी जब तक वो पकड़े नहीं जाते इसकी दुकान के आगे सिक्योरिटी का इंतजाम। पिस्तौल की दम पर दिन दिहाड़े 10 करोड़ की फिरौती मांगने की ये घटना जैसे ही सामने आई पूरे बाजार में मानो सनसनी सी फैल गई। लोग राम चाट भंडार के मालिक से मिलने पहुंचने लगे, दिलासा देने लगे, साथ होने की तसल्ली भी दी, मगर जिसके आगे पिस्तौल तानकर 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई हो वो इंसान भला चैन से कैसे रह सकता है। दुकानदार के मालिक ने बिना देरी किए पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दे डाली, जिसके बाद अब पुलिस फिरौती की पर्ची और सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर छानबीन कर रही है। सीसीटीवी फुटेज है वो देख रहे हैं, उनके अंदर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनका मिलान कर रहे हैं, जो टाइप के लड़के हैं उनके हमने घर में टीम बना के भेज दी है, उनको सभी वो चेक कर रहे हैं वो कहाँ है और जल्दी हमें वो पकड़ के कर रहे हैं। तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आपको सारी मिल चुकी है? हाँ, हमारे को सीसीटीवी फुटेज मिल चुकी है। रामचाट भंडार वाले के तो खुद के तो नहीं दे, पर वासुदेवा वाले और जो 3 और दुकानदार हैं उनका सब मैंने देख लिया। तो व्यापारियों ने ये भी डिमांड की है कि आने वाले समय में निरंतर डिमांड ये होती है कि जिप्सी यहाँ खड़ी रहने चाहिए, कि रामचाट RCB के आसपास राजगुरु मार्केट में, यहाँ पे PCR नहीं होती, कुछ समय होता था पहले खड़ी हो, आजकल अगर बात करें तो PCR यहाँ दिखाई नहीं देती। नहीं, PCR तो हमारी तकरीबन यहाँ रहती है और एक हमारी वो भी रहती है, राइडर भी यहीं और मैं भी खुद भी रात को भी मैं यहीं रहा रामचाट भंडार के, एक रात वो तो हमारी एक PCR तो परमानेंट खड़ी होती है, एक PCR 21 तो हमारी परमानेंट रामचाट भंडार के सामने खड़ी।
हरियाणा में बदमाशों द्वारा फिरौती मांगने का ये कोई पहला मामला नहीं है। अलग अलग जिलों में इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं, लेकिन गब्बर की पुलिस का खौफ इतना कम हो चुका है कि बदमाश अब सरेआम दिन दहाड़े पिस्तौल लेकर बाजारों में घूमते हैं और जिससे मन करता है लाखों करोड़ों की फिरौती की डिमांड रख देते हैं। बहरहाल पुलिस ने रामचाट भंडार के मालिक की सुरक्षा को लेकर आश्वासन दिया है और साथ ही आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा भी किया है। बता दें कि रामचाट भंडार हिसार की मशहूर दुकानों में से एक है। कुछ दिनों पहले आग लगने से रामचाट भंडार की दुकान जलकर राख हो गई थी, जिसमें दो करिंदों की जलकर मौत हो गई थी। हिसार से संदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।